नमस्ते एंड वेलकम टू बोधी सार अप्रैल फोर्थ 2017 नॉलेज इन नटशेल ज्ञान के सारांश जो आप तक लेकर आए हैं बोधी बूस्टर नॉलेज पोर्टल फॉर लर्नर्स एंड अचीवर्स में आपका हार्दिक स्वागत है बो दी सर ऑफर्स यू दी सेवन अमेजिंग थिंग्स रेगुलरली विच आर यूजफुल फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स यूपीएससी आरबीआई आई बीपीएस बैंक पी एस स्टेट पी एस सी एस एस सी सी डी एस रेलवे सभी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यूज के लिए ये रिफाइंड और मेच्योर इनपुट आपको बहुत बहुत मददगार होंगे इनका पूरा पूरा लाभ लगातार उठाते चले ब्रॉट टू यू बाय नॉलेज पोर्टल बोधी बूस्टर पीटी एजुकेशन एंड पीटीजेडमी रिमेंबर दिस इज कॉपी राइटेड कॉन्टेंट इफ यू फाइंड एनी वन यूजिंग दिस इन लीगली रिपोर्ट टू अस ऑन द मोबाइल नंबर एंड दई डी गिवेन इंस्टीट्यूशन एंड कोचिंग क्लासेस टू लाइसेंस दिस कॉन्टेंट प्लीज कॉन्टेक्ट फॉर डिटेल्स गिवेन ऑन द स्क्रीन थैंक यू द बोधी सार्ट टॉपिक्स फॉर टूडे आपके लिए चार बेहतरीन विषय लाइंड अप है सैलरी बैटल सेट इन्फोसिस इन्फोसिस के झगड़े तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे सही कहा है किसी ने पैसा ना हो तो मुसीबत पैसा हो तो ज्यादा मुसीबत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबका साथ सबका विकास इंडिया बिल्डिंग ब्रिजेस ग्लोबली आई एन एस टी सी वी विल टेक अ कॉम्प्रिहेंसिव लुक एट वॉट इंडिया इज डूइंग पार्टली अद रिस्पांस टू द अल्ट्रा एम्बिश बी ऑफ चाइना एंड पार्टली एज ए पॉजिटिव मूव फॉर इट्स ओन नीड्स सिंधु एट द टॉप द अमेजिंग अमेजिंग सक्सेस स्टोरी ऑफ द यंग गर्ल पीवी वी सिंधु हैज डन एवरी इंडियन प्राउड इनकी जबरदस्त गौरवशाली कहानी पर एक नजर डालेंगे इंडिया सुपर सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में तैयार हैं बोधी साहब नोटबुक निकाल लो बेटा नोट्स बनाना शुरू करो और जितने प्रश्न पूछे जाएंगे सबके उत्तर जरा कमेंट थ्रेड में फटाफट लिखो so infosys, which has been a bellwether company for the it sector, bellwether spelling or matlap zarur batayega comment thread, has been beset with a lot of problems. in fact, hints at a mega scam or direct references to wrong salary raises have been doing the rounds. first, it seems all is not well in india's corporate world as of now. सीरियस डि विद इन द कंपनीज ओवर इशूज ऑफ गवर्नेंस आर कंटिन्यूसली डूइंग द मीडिया राउंड मीडिया हेडलाइंस कॉपोरेट गवेंस इज अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक एंड लेट एस नाउ डी मिस्टिफाइड सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है ऐसा हम कैसे कह सकते हैं पहले अक्टूबर टू थाउजेंड सिक्सटीन में वी ऑल गोट टू सो दूटली अनएक्सपेक्टेड मेगा वॉर विद इन द टाटा ग्रुप

टू एंड थ्री इन तीन स्लाइड से मैं आपको जो पहले पॉइंट में बताया था उसका इलेबरेशन दूंगा ध्यान से समझ ले बेटा इन एनी कंपनी और एनी इंस्टीट्यूशन देर इज ऑलवेज अपरवाइजरी स्ट्रक्चर एंड देर इज अ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर नीड पीपल हु विल सुपरवाइज द मैनेजमेंट इट सेल्फ टिपिकली इन अ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर यू विल हैव द सी ई सी CTO, ओ सी सी टी ओ सी ओ सी एक्स ओ बेसिकली इन फ्रंट ऑफ ओ यू कैन पुट इज रन द कंपनी एंड द बिजनेस कंपनी को चलाना रोज रोज के जो बिल्कुल कठिन काम है द डर्टी जॉब इज वॉट दीज गाइज टू देन देर इज अपरवाइजरी स्ट्रक्चर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये हैं इनके ऊपर जो नियंत्रण रखेंगे मैनेजमेंट के ऊपर दे विल हायर एंड फायर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट लीगैलिटीज दे विल फॉर्म पॉलिसीज ऑन द डिविडेंड ऑफ द शेयर होल्डर नीड टू बी पेड एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ ये होता है किसी भी कंपनी को चलाने का टू टीयर टॉप लेवल स्ट्रक्चर एंड द सुपरवाइजरी स्ट्रक्चर नेचुरली इज वन स्टेप अबव सो फॉर एनी टिपिकल प्राइवेट सेक्टर कंपनी वी विल हैव A managing director MD in the board of directors, nideshak and a chairman of the board of directors, Adhyaksh. Often the MD and the chairman are the same, hence we call him or her CMD. This is done usually when we do not want

इज द सिस्टम बाय विच अ कंपनी इज रन डेक्टेड एंड कंट्रोल ये वो व्यवस्था है जिससे किसी भी निगम को चलाया जाएगा निर्देशित किया जाएगा और नियंत्रित किया जाएगा दिस कॉपरेट गवर्नेंस इज बेसिकली यूज टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ मैनी पीपल हु हैव एन इंटरेस्ट इन दी सक्सेस ऑफ द कंपनी द कस्टमर्स द शेयर होल्डर्स द मैनेजमेंट टीम जो करोड़ों की सैलरी उठा रहे हैं बिचारे गरीब वेंडर्स बैंक द गवर्नमेंट एंड फाइनली दोसाइटी सोसाइटी क्यों क्योंकि जब कोका कोला अनेक चम्मच शक्कर के भर भर के एक एक कोका कोला की बोतल दुनिया में बेचता है तो आप और मैं बीमार पड़ते हैं तो जब कोका कोला सक्सेसफुल होगा तो हमारा नेगेटिव इंटरेस्ट जुड़ा है उसके साथ पीपल विल फॉल इल दिस इज अ प्रूवन फैक्ट सो कोका कोला डोंट गेट एंग्री विथ मी आई एम ओनली सेईंग व्हाट इज द ट्रूथ आई होप दिस इज क्लियर

सफल होने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की यह तस्वीर है दी इज फॉर द गुड टाइम्स उसके बाद इनमें से कई लोग छोड़कर चले गए एंड देन केम अ अ और टर्बुलेंट टाइम एंड फाइनली एंट्री ऑफ मिस्टर विशाल सिक्का बहुत सारे खनकते सोने के सिक्के के साथ इन्फोसिस चेयरमैन ने ही ये जोक मारा था इसीलिए मैं वो जोक को रिपीट कर रहा हूं कि इनका नाम ही सिक्का यह बहुत से सिक्के कमा के लाएंगे अब झगड़ा ये हो रहा है कि बहुत सिक्के बांट रहे हो भैया तुम दिस इज द बोर्ड चेयरमैन शेसाई साहब जिनको लेकर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं दट डायल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज हैपन्ड इन इन्फोसिस जस्ट सिक्स मंथ्स अगो ऑल दिस वाज अनथिंकेबल बट देन लाइफ इज ऑल अबाउट द इम्पॉसिबल बिकमिंग पॉसिबल इज इट Infosys has been a brilliant company. In fact, in my personal opinion, I have considered the founders of Infosys one of the best entrepreneurial teams in India for the very simple reason. आप में से जो लोग entrepreneur बने हैं उन्हें यह बात पता है जो नहीं बने हैं वो ये सच्चाई जान लीजिए भारत की पूरी व्यवस्था एंटी ऑन्टरप्रन्योर व्यवस्था है उद्यमियों को कैसे परेशान करना तंग करना धीरे करना स्लो करना एक्सप्लोइट करना गिराना अधिक से अधिक लूट लेना कई बार ऐसा लगता है कि पूरी व्यवस्था बनी ही इसलिए है एंड यू कैन टॉक टू एनी ऑंटरप्रोरप्री फाइव सो दिस इज माई वेरी क्लियर एक्सपीरियंस इन द मिडल ऑफ ऑल दिस यू एंड क्रिएटिंग अ फेंटेस्टिक कंपनी वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर क्लैप्स लेकिन जैसे ही फाउंडर्स दूर हुए और ट्रू प्रोफेशनल्स के हाथ में कमान आई तो चीजें बदलने लगी मैं यह नहीं कहूंगा कि बिगड़ी हैं क्योंकि यह परसेप्शन की बात है और कई लोग मिस्टर मूर्ति और प्रमोटर्स की बहुत बुराई भी कर रहे हैं कि आप जब अब बाहर हो चुके हैं तो आप शेयर होल्डर हैं डिविडेंड का मजा लीजिए कैपिटल अप्रिसिएशन इंजॉय कीजिए बेवजह दखल क्यों देते हैं सो डिफरेंट साइड ऑफ दिस स्टोरी सेकेंड Corporate governance has become a tricky issue. Differences over governance have cropped up in major companies. First, it was Tata Sons, which led to the expulsion of Chairman Cyrus Mistri October 2016. Complete Bodhi is available on Bodhi Booster in English and Hindi. And now it is the ongoing governance struggle between the founders. Sorry, founders comment नारायण मूर्ति जी तो सबको पता है नंदन नीले तो सबको पता है इस भी सबको पता है एंड द प्रेजेंट मैनेजमेंट इन आईटी मेजर इंफोसिस तो प्रेजेंट मैनेजमेंट में विशाल सिक्का इज द बॉस किस कंपनी से विशाल सिक्का साहब को लाए थे मूर्ति जी उस कंपनी का भी नाम बताइए थर्ड एट टाइम अब ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट हैडवे फ्रॉम वेरियस डोमेस्टिक चैलेंजेस एंड ग्लोबल चैलेंजेस तो डोमेस्टिक चैलेंजेस क्या है GST. ये बहुत बड़े झटके हैं जीएसटी का झटका तो अभी लगेगा ग्लोबल चैलेंजेस अमेरिका एंड सिंगापुर इमिग्रेशन पॉलिसीज एंड जनरल ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन दैट इज हेडवेंट्स इन सब के बीच में यदि किसी कंपनी के अंदर के झगड़े बाहर आ जाते हैं तो ये तो वही बात हुई कि गरीबी में आटा गीला या सिर मुंडाते ही ओले पड़े क्या बढ़िया मुहावरे बता रहा हूं मैं द यूनिक चैलेंज सीम्स यूनिकैलेंज सी बोड रूम पब्लिकली एंडेड एंड डिबेटेड एंड मेकिंग मीडिया हेडलाइंस वेरी बैड आइडिया तो यह गलत है इस तरह से आज जब इंटरनली और एक्सटर्नली एक्सट्रीमली एडवर्स सिचुएशंस हैव प्रेजेंटेड टू सिचुएशन है उन्हें अपना डर्टी लिनन पब्लिक में वॉश नहीं करना चाहिए देखो अंग्रेजी का भी मुहावरा बता दिया वॉशिंग डर्टी लिनन इन पब्लिक तो अभी तक तीन मुहावरे बताए तीनों के अर्थ एक एक सेंटेंस बना के कमेंट्स में बताओ

समझ गए सो दिस इज फेयरली सिग्निफिकेंट लगभग 38 से 40 लाख लोग इसमें डायरेक्टली इंप्लॉयड हैं जो कि बहुत कम है और इस वजह से स्क्यूनेस ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया भी आता है वॉट इज अ स्क्यूड जीडीपी डी पी डू लेटर्स नो इन दमेंट थे

Company. That issue subsided slowly. वो इश्यू तो अपने आप धीरे-धीरे ठंडा हो गया था। लेकिन कुछ भी भारत में ठंडा कहाँ होता है भैया? तुरंत हवा देके आग देने वाले खड़े हैं। At that time, the company's chairman R. Sheshasai tried to downplay the issue, saying there was no conflict of interest between the founders and the board of directors. आज के इस बोधी सार की शुरुआत में मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था ना मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी तीसरा है प्रमोटर्स हु हैव नाउ मूव्ड आउट ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट समझ में आ गया तो सीईओ आल्सो कन्फर्म दैट ही हैड वेरी गुड रिलेशंस विद द फाउंडर्स परफेक्टली फाइन इन सिक्स बट लेस देन सिक्सटी डेज आफ्टर चेयरमैन शेषसाई आई हैविंग रिसीव्ड अ कमिटमेंट फ्रॉम द फाउंडर्स दैट कंपनीज डिफरेंस वुड बी केप्ट विद इन द कंपनी

Most of the promoters, including Murthy, they abstained on the resolution, which is as good as protest. Narayana Murthy clarified five things: one, two, three, four, five. Number one, it has nothing to do with an individual. Praveen Roy is a great guy. Second, those who have stood for fairness and compensation, yane salary structure mein bohot उचित व्यवहार होना चाहिए और समता होनी चाहिए असमता नहीं विल हैव टू डेमोस्ट्रेट वेन नीडेड थर्ड एवरी सीनियर मैनेजमेंट पर्सन हैज टू शो सेल्फ रिस्ट्रेंट आप आप अपने पर लगाम कसी है। खुद को ही मत बांटते फिर पैसा फोर्थ विद वॉट कॉन्शियस कैन सीनियर पीपल टेल द जूनियर्स टू वर्क हार्ड एंड मेक देयर ओन सैलरीज आर नॉट गिवन द हाइक्स बींगाइक्स आर टेकिंग एंड फिफ्थ टू मेक कम्पैशनेट कैपिटलिज्म सर हृदय पूंजीवाद एक्सेप्टेबल टू द मेजोरटी ऑफ इंडियंस इंडियन पुअर एंड टू क्रिएट जॉब इन प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी दिस एप्सेंशन

वी हैव टू मेक श्योर वी गेट गुड मार्क्स इन दी एग्जाम्स इन्फोसिस का कुछ भी हो हमें तो हमारी एग्जाम में पास होना है ना वही पूरा भारत घूम रहा है एग्जाम के आसपास हु वॉज द सीई ओ ऑफ इन्फोसिस बिफोर डॉक्टर विशाल सिक्का टू को सीईओ वन टू थ्री फोर फाइव नंदन नीलेकनी साहब होंगे जो यू आई डी ए आई चले गए थे है ना फोर्थ होना चाहिए आंसर आई एम वेरी श्योर ग्रेट द आंसर इज ऑप्शन थ्री मिस्टर एस डी शिबूलाल क्वेश्चन नंबर टू in which year was infosys founded? Ye toh bataya tha. and where was it founded? Ye toh bataya tha. so the correct answer has to be either option this or option that. and within the two, 1993 cannot be the answer. so the answer is 1981 july, pune. please remember this. third, in which year was infosys listed on new york stock exchange? which other it companies also listed there? remember, tcs is not listed there. So, option 2 and 5 are ruled out directly. The correct answer, drum roll, is first, 2012 and Vipro. And in fact, all the companies listed on NYCE, New York Stock Exchange, or NASDAQ are there on the screen. Here your screen your reference. NASDAQ, National Association of Securities Dealer Automated Quotation, second largest stock exchange in the world. Hoo -hoo. ये सारी कंपनियां हैं जो यहां पे लिस्टेड हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज की टू सबका साथ सबका विकास इसमें तो कोई शक नहीं है देखते हैं चल क्या रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एंड फाइनेंसिंग

भारत में जितनी भी सड़कें और राजमार्ग रोड्स एंड हाईवे बन रहे हैं उनसे जुड़े छह बड़े बिंदु हम समराइज करके आपके लिए ले आए हैं फॉर दोज हुट टू डू अ डीपर रिसर्च ये सब आप अपने नोट्स में अलग से लिख लीजिएगा एंड यू विल अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द ब्रॉड ओवर व्यू ऑफ रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया ये हम यहाँ पूरा पढ़ के डिस्कस नहीं करेंगे ये आपके रेफरेंस के लिए रिकॉर्ड के लिए रहेगा बजट एलोकेशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंडवेज एमओ आर टी एच करोड़ रुपए में बजट आवंटन रेवेन्यू यानी राजस्व आवंटन कैपिटल यानी पूंजीगत आवंटन तो इस तरह से आप इनकी साइज देख सकते हैं आपने हमेशा सुना होगा एमओ आर टी एच मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी लाखों करोड़ों की ही बात करते हैं तो उसमें दूसरी प्राइवेट पार्टीज के इन्वॉल्वमेंट से सब काम होता है बिकॉज इनका तो बजट ही एक लाख करोड़ से भी कम है सो दैट्स जस्ट अ क्लैरिफिकेशन ये एक और समरी है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2003 टिल 1617 दिस इज हाउ थिंग्स हैव चेंज लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे तब अट्ठावन हजार थी अब एक लाख किलोमीटर हो चुकी है पैसेंजर व्हीकल सेल तब मुश्किल से सात लाख थे अब हर वर्ष अट्ठाईस लाख हो गए एनएचडीपी टोल कलेक्शन तब चौसठ मिलियन यूएस डॉलर पूरे भारत में अब हो गया वो एक बिलियन डॉलर हाईवेज प्रोजेक्ट अवार्डेड शेयर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन टोटल बैंक फंडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा और ये यहां पे एनपीएस काफी सारे बने भी हैं इंडियन रोड्स नेटवर्क दिस अगेन नेशनल हाईवे एक लाख क्रॉस कर चुके हैं उनकी साइट पे लेटेस्ट डेटा अपडेटेड नहीं था बट एनी वे सो रफली तैंतीस लाख किलोमीटरों का हमारा भारत का रोड यानी सड़क संजाल है रोड नेटवर्क है जिसमें एक्सप्रेस नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड रूरल एंड अदर रोड है शराब पे सुप्रीम कोर्ट का 500 मीटर का बैन लगने के बाद भारत दुनिया का पहला देश बन गया जहां ऊपर की कैटेगरी के रोड्स को नीचे की कैटेगरी में डी नोटिफाई करके री नोटिफाई किया जा रहा है वारे भारत और भारत की राज्य सरकारें बहुत बढ़िया यह डेटा काम का है ध्यान रखिएगा This is the National Highways Development Project status as on January 31st. You can see that a lot of work has been done after the Golden Quadrilateral Project also. Rashtriya Rajmarg Vikas Pariyojana. Jammu and Kashmir and the northeastern region, both of which have been infested with cross border terrorism, extremism, and insurgency. Cross border terrorism, Seema Parse extremism, Atireki, Vyavhar and insurgency, withdraw.

एंड प्राइम मिनिस्टर्स रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम (PMRP) for this state. फॉर दिस स्टेट ये सब आप याद रखिएगा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और फिर हाल ही में सभी को पता है चेनानी नाशरी टनल भारत की सबसे बड़ी सुरंग हमारी जेल में सुरंग किस फिल्म में था सभी को पता है बताना मत कमेंट में यार दिल टूट जाएगा 9.2 किलोमीटर की जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर इनोग्रेट हुई बड़ी स्टाइल में इनोग्रेशन हुआ एंड द मोटिवेशनल स्पीच गिवन ऑन द इनोग्रेशन सेरेमनी वॉज वेल ट्रूली मोटिवेशनल बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ रूपीज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड नाइनटीन करोड़ कहीं कहीं बत्तीस करोड़ की भी कॉस्ट आई है द स्टेट ऑफ द आर्ट मेन बाय डायरेक्शनल टनल हैज बीन बिल्ट इन फोर टू फाइव इन और इसमें काफी सारे दूसरे अकुटरमेंट्स और फीचर्स भी हैं दिस इज द बिग अचीवमेंट इससे वहां के लोगों को फास्टर ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इमीडिएट इम्पैक्ट आने वाला है चेनानी नाचरी टनल की फैक्ट शीट आपके सामने है दोज हु वॉन्ट टू गो इन डेप्थ एंड स्टडी इट ये आपके लिए है इसे बाद में आराम से पढ़िएगा ये है पीआईबी का ट्वीट और इसमें काफी सारी जानकारी और दे रखी है दिस इज फॉर दोज हु वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम स्टडी दिस केयरफुली ये रहे कुछ बेहतरीन तस्वीरें बड़ा अच्छा लगता है देश इस तरह से आगे बढ़ रहा है इसी तरह से तरक्की सबकी हो सबका साथ हो सबका विकास हो फिफ्थ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टनल वुड नॉट ओनली कट द ट्रेवल टाइम बिटवीन द ट्विन कैपिटल्स बाय टू आर बट वुड आल्सो फैसिलिटेट ट्विन कैपिटल कौन सी दो ट्विन कैपिटल्स की बात हो रही है बताइएगा बट वुड ऑल्सो फैसिलिटेट स्मूथ ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग विंटर सीजन ये सबसे बड़ी चीज है तो ये ऑल वेदर रोड हो गया है थ मेन टनल देयर इज अ पैरेलल एस्केप टनल फॉर इमरजेंसी आपातकाल के लिए वहां से एक बचाव सुरंग अलग से बनाई गई है न्यू टनल एंड एस्टिमेटेड विल बी सेव पर डे ये दावा किया गया है द टनल इज आल्सो इक्विप्ड विद ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और बहुत सारे वहां पे दूसरे एयर uh, को फ्रेश करने के लिए लगातार उसमें सिस्टम बनाए गए हैं वगैरह वगैरह वहां पर मोबाइल नेटवर्क

पास बॉक्स से सोल हमारी आत्मा बचाओ अब एथीस लोग क्या करेंगे वो तो मानते ही नहीं आत्मा में तो उनके लिए कोई एसओएस नहीं हो सकता तो वो कहेंगे सेव अवर सेल्फ फायर फाइटिंग एंड इंसिडेंट डिटेक्शन दी अदर मेजर 8.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल कनेक्टिंग बनिहाल विद काजीगन विल ऑपरेट लेटर इन 2018 पीछे पीछे दूसरा प्रोजेक्ट भी आ रहा है तो यहां बड़ा ओजस्वी भाषण देते हुए मोदी जी ने कहा कि कश्मीर यूथ मस्ट चूज बिटवीन टूरिज्म एंड एंड टेरर फॉर द द लास्ट ब्लड हैज स्पिल्ड नथिंग अचीव्ड आइए क्विज सॉल्व करें इज नेम ऑफ द प्रोग्राम इनिशिएट फॉर स्किल डेवलपमेंट इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए कौशल विकास के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है नई मंजिल लगता है या नई आशा भी हो सकता है यही नाम होंगे और क्या होगा क्या लगता है आपको वन टू थ्री फोर फाइव ईयर नन ऑफ दबव बड़ा खतरनाक है ऑल द सेडिस्ट एग्जामिनर्स मेक श्योर दैट नन ऑफ अबव इज ऑलवेज देयर सेडिस्ट का हमें मीनिंग जरूर बताइएगा द करेक्ट आंसर इज हिमायत इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम ध्यान रखिएगा इन विच ईयर वॉज फर्स्ट रेलवे लाइन बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर टू कनेक्ट जम्मू विद सियाल कोट विच इज नाउ इन पाकिस्तान ये अंग्रेजों के जमाने की बातें हो रही हैं भैया द करेक्ट आंसर इज एटीन थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस बोदी सार इन विद डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे एन के चेनानी नाशरी टनल लोकेटेड अभी देखा था हमने श्रीनगर है ना द करेक्ट आंसर इज उधमपुर आई होप ऑल दीज थ्री क्वेश्चन यू विल रिवाइज एंड पी डी एफ बोधी न्यूज की साइट से अवश्य डाउनलोड कर लीजिएगा वो आपका परमानेंट रेफरेंस है India building bridges globally, regional politics, organizations, and treaties, and infrastructure development. INSTC बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भारत विश्व स्तर पर अब इन्वॉल्व होता जा रहा है विच पार्टली इज अ रिस्पॉन्स टू चाइनाज अल्ट्रा एम्बिशियस एंड अल्ट्रा एग्रेसिव वन बेल्ट वन रोड स्कीम जिसके तहत भारत वाले कश्मीर के इलीगली ऑक्यूपाइड कब्जे के गिलगित बाल्तिस्तान से चीन ने छाती चौड़ी करके पूरा प्रोजेक्ट निकाल दिया है और भारत को ज्ञान देता है कि दलाई लामा को रोको यहाँ मत जाने दो वहाँ मत जाने दो ठीक है सर हम खाने में क्या खाएं ये भी आप हमें बता दीजिए

एस्टैब्लिश ऑन ट्वेल्थ सेंट पीटर्सबर्ग बाय ईरान रशिया एंड इंडिया तो ये तीन इसके संस्थापक सदस्य हैं ईरान रूस और भारत 12 सितंबर 2000 को ये स्थापित हुआ सेंट पीटर्सबर्ग जहां बहुत ही दुखद टेररिस्ट हमला अप्रैल में हुआ इट कनेक्ट इंडियन ओशन एंड पर्जन गर्ल टू दैसपियन सी वाय ईरान एंड देन गेट्स कनेक्टेड टू सेंट पीटर्सबर्ग एंड नॉर्थ यूरोपियन एरिया वाय द रशियन फेडरेशन सो दिस इज द फेयरली वास्ट स्पैन ये रहा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का स्पैन ये हमने उन्हीं की वेबसाइट से लिया है कलर कोडेड है इसमें अलग अलग चीजें उन्होंने समझाई है इसको आप विस्तार पूर्वक बाद में पढ़ सकते हैं कैसपियंसी दिख रही है ना बीच में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की दूसरी में जो इन्हीं की वेबसाइट से हमने ली है अगेन थिंग्स आर एक्सप्लेन वेरी वेरी प्रॉपरली देयर एंड दिस इज हाउ इंडिया गेट्स कनेक्टेड टू नॉर्थ यूरेशियन रीजन एंड ऑफकोर्स यूरोप ये ऑल्टरनेटिव रूट बन चुका है इसका डायरेक्ट पहले यहाँ से जाते तो उसमें बहुत लंबा रास्ता लगता अब आप डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट हो गए समझ में आ गया ना पहले आप अरेबियन सी से निकलते विच इज़ नथिंग बट इंडियन ओशन और फिर वहाँ से फिर आप रेड सी में जाते वहाँ से मेडिटेरेनियन वहाँ से अटलांटिक ओशन अर्थात अंध महासागर और ऊपर नॉर्वे से घूमते हुए आते अब आप यहीं से बीच में से निकल जाएंगे शॉर्टकट सारी दुनिया शॉर्टकट पर चल रही है आजकल कल सेकेंड

एन एस टी सी है ये इसके साथ सिंक्रोनाइज कर दिया गया है अशकाबात अग्रीमेंट समझौते के साथ पाकिस्तान एंड इंडिया हैव एक्सीडेड टू दिस अशकाबाद एग्रीमेंट लेटर यह रही पीआईबी की रिलीज जो बताती है 23 मार्च 2016 को भारत ने एक्सीड होने की मंजूरी दे दी इससे आप आराम से पढ़ लीजिएगा आपको ये पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर धीरे धीरे एक्सपैंड होता चला गया तीनों फाउंडिंग मेंबर्स इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान द रशियन फेडरेशन इनफैक्ट रशिया एंड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इन्होंने बाद के अन्य देशों को कजाकिस्तान बेलारूस ओमान तजिकिस्तान बुल्गारिया अजरबैजान आर्मीनिया सीरिया यूक्रेन तुर्की किर्गिस्तान को एक एक करके अप्रूवल दिया दिस इज हाउ द एक्सपांस हैज ग्रोन Third, Russia, Iran and India signed the agreement for the NSTC on 16th of May 2002. Other important member states include this, jo abhi tak pada, uska summarized point. Fourth, the primary objective of the NSTC is to reduce cost in terms of time and money over the traditional route being currently used. Which traditional route? This traditional route in red.

आपको पता ही है ग्वादर जो कि चीन ने पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है और एक लाख नौसैनिकों की तैनाती कर दी है चीन पूरे हिंद महासागर को खा जाने के इरादे से आगे बढ़ रहा है किसी भी हिंदुस्तानी को अगर इस पे जरा सा भी शक है अपने दिमाग की जांच तुरंत करा लीजिए बंदर अब्बास पोर्ट हैंडल्स 85% परसेंट ऑफ ईरान सी मोन ट्रेड एंड इज हाईली कंजेस्टेड वाइल हैज़ हाई कैपेसिटी विद प्लान फ्रॉम द करंट कैपेसिटी अनफॉर्चुनेटली इंडिया हैजेंट बिन एबल टू पुट अप दैपिटल रिक्वायर्ड एट द पेस विच वॉज नीडेड और चीन तो पैसा लुटाते चला जा रहा है क्योंकि 20 साल जो एक्सपोर्ट करके तीन ट्रिलियन डॉलर इकट्ठे कर रखे हैं वो सारी ताकत चीन आज इस्तेमाल कर रहा है तो भारत के राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों ने जो 1980s, 1990s में भारत में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाया उसकी जियो कीमत हम ऐसे चुका रहे हैं sixth the international north-south transport corridor is inching closer toward becoming a reality a latest news hai, a dry run of the container movement via the green corridor will be conducted during the next few days in april which would also mark the 70th anniversary of indo russian diplomatic ties so that's a very very positive development instc is one of the corridors that india is working on as part of connectivity initiatives parallel to aggressive one belt one road of xi jinping

विच इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसिट कॉरिडोर अग्रमेंट इज इंडिया यूरोप रोड बींग बिल्ट अभी बताया था नाउ यू नो लेकिन आपने अभी तक हमें नहीं बताया कहा की राजधानी है उजबेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान इरान ओमान एंड कतर Which country is the depository state for the agreement under which India, Russia, Iran, Europe road is being built? So there is a state which has been designated the depository state, and the answer is Turkmenistan. याद रखिएगा बहुत से तुर्कमान और उज़्बेक 800 सालों का जो इस्लामिक इन्वेजन भारत पे हुआ था लगातार भारत में घुसते चले आए थे और इनका भारतीय सभ्यता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था Now, some very, very heartwarming news. A star has risen on the horizon. A Naya Sitara Udiyaman Huahe, PV Sindhu, Entertainment, Games and Sports, Athletes and Sport Person Domains. Sports in India have remained a least priority subject all these years. Kisi ko bhi zyada matlab hai, Games and Sports kaik period jarur Hota hai Roj. All other sports and sports persons, with the exception of cricket, have not received the recognition they deserve. So, the society. एब्सोल्यूटली इन्फेचुएटेड विद बॉलीवुड एंड क्रिकेट हैज इन्श्योर्ड दैट एवरीथिंग एल्स हैज बीन प्रैक्टिकली डिस्ट्रॉय और फिर वो ओलंपिक मेडल टैली में जहां हम नीचे से कितना ऊपर हो सकते हैं इसके लिए प्रयासरत रहते हैं ये नहीं कि हम ऊपर कितना बढ़ सकते हैं तो स्थितियां तो खराब हैं ही जहां तक ओलंपिक्स का सवाल है आज यदि भारत तय करे कि हमें ओलंपिक्स में टॉप लेवल पर आना है टॉप 20 नेशन या टॉप 10 नेशंस में तो यहां से दस साल की तैयारी लगेगी और अभी तो हमने वो तय ही नहीं किया है सेकेंड स्पोर्ट्स लाइक टेनिस एंड बैडमिंटन आर पॉसिबल स्पोर्ट्स इन द कंट्री व्यूड एज इनऑल इंटरनेशनल ग्लोरी तो पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले ये स्पोर्ट्स हैं जिनको सबसे कम मात्रा में भारतीयों का रिस्पॉन्स मिला है थर्ड पी वी सिंधुन न्यू बिफोर शी क्रिएटेड हिस्ट्री मै विलिंग सिल्वर मेडल

नाम पता है ना भैया कोच का बताइएगा सिंधु डिफीटेड कैरोलाइना मैरीन ऑफ स्पेन टू तो क्लिंच द इंडियन ओपन सुपर सीरीज ऑन सेकेंड 2017 अलग अलग परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा मैरीन इज द सेम प्लेयर हु डिफीटेड सिंधु ओलंपिक्स फाइनल बट सिंधु मैचेस द टू प्लेयर्स आफ्टर तो ओलंपिक के बाद के दोनों मैचेस सिंधु जीती हैं इज द फाइनल रिसेंट टैली एज यू कैन सी वर्ल्ड रैंकिंग रियो टू थाउजेंड सिक्स हो गया और उसके बाद फिर इंडिया ओपन सुपर सीरीज पीवी सिंधु ने ब्रिलियंटली जीत ली आपको बहुत बहुत बधाई यू आर द प्राइड ऑफ इंडिया फिफ्थ विद दिस विन सिंधु बिकम द वर्ल्ड नंबर टू इन द इंटरनेशनल बैडमिंटन रैंकिंग्स पुशिंग कैरोलाइना मरीन टू द नंबर थ्री स्पॉट इन ऑल द टू प्लेयर है टेन टाइम्स एंड आर नाउ टाइट एट फाइव विक्ट्रीज Each. तो ये इनकी वर्तमान स्थिति है पोस्टर गर्ल इन इंडियन बैडमिंटन आउट्लेंग साइना नेहवाल इन सिक्स बैडमिंटन करियर सिंधु टाइटल्स चाइना एंड इंडियन ओपन टू ब्रॉन्स मेडल्स एट दर्ल्ड एंड एन ओलंपिक सिल्वर मेडल दिसन टू द फर्ट वीक ऑफ एप्रिल टू introduction to the Indian team द the 2010 Uber Cup, Sindhu's graph has gone higher. According to her coach, गोपी Gopichand,

गौरव किन्हें प्राप्त हुआ द करेक्ट आंसर इज साइना नेहवाल हु इज द करंट वर्ल्ड नंबर वन विमेन बैडमिंटन प्लेयर द करेक्ट आंसर इज ताई जू एंड द लास्ट क्वेश्चन हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे प्रकाश पडुकोण वी होप यू हैव एंजॉयड ऑल फॉर द डे मेक श्योर यू कीप यूज बोधी बूस्टर नॉलेज पोर्टल ब्रॉट यू बाई पी टी एजुकेशन एंड पी टी आई एस एडेडमी दट इज ऑल वी हैव फॉर यू इन दिस लेसन ऑफ बोधी सार नॉलेज इन अ नक्शल ज्ञान के सारांश को लेकर हम पुनः उपस्थित बहुत जल्दी होंगे पढ़ते रहिये बढ़ते रहिये नमस्ते जय हिंद <laughs>